अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है सचिन ने घरेलू नुस्खे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे मलेरिया। अगर जो दोस्तों आपको मलेरिया हो जाता है तो दोस्तों हर कोई एंटीबायोटिक या होम्योपैथिक दवाइयों के लिए भगते हैं। तो दोस्तों आप घरेलू नुस्खा भी आप करके देख सकते हैं, मलेरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर जो मलेरिया होता कैसे, ये आपके मच्छरों से फैलता है, जिसमें आपको सर्दी भी लगती है थोड़ी थोड़ी, और आपको बुखार बना रहता है। इससे मलेरिया से ही आपके बहुत सारे बुखार, बहुत से दोष बन जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड वगैरह बन जाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल बुखार बनता है। तो यह मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप अपने टीके पूरे करवा लें, अगर जो टीके भी लगते हैं इसके टीके लगवा लें। और आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं जिससे आप मलेरिया बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, आंख के पत्ते में थोड़ा नमक मिलाकर रख लें। रखने के बाद उसकी आप जलाकर उसको राख बना लें, और उसे अपने बल के अनुसार ही आपको उसमें शहद मिलाना है। ज्यादा उसका सेवन नहीं करना है, समान मात्रा में उसका, जैसे आपकी शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार उसका सेवन करना है। ज्यादा इसका नहीं करना है, शहद में मिलाकर इसका आप सेवन करें, इसे चाटें। तो इस तरीके से आपके मलेरिया को बिल्कुल खत्म कर देगा। और आपके किसी भी प्रकार के इस तरह का कोई दोष बनता है, आपको बुखार बनता है या आपकी कोई भी परेशानी बनती है, तो उसको भी जड़ से खत्म करेगा। तो हमारी वीडियो पसंद आने पर आपको मालूम है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ फिर से। नमस्कार।